नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे आप सब। आज हम आपको नींद आने से संबंधित सभी 10 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब आपका प्रश्न एक है, नींद नहीं आने पर मेडिटेशन करने से क्या होता है? आपका प्रश्न दो है, गर्भावस्था में महिलाओं को नींद क्यों नहीं आती है? आपका प्रश्न तीन है, म्यूजिक सुनने से जल्दी नींद क्यों आ जाती है? आपका प्रश्न चार है, अच्छी नींद के लिए सोशल मीडिया से दूरी क्यों बनाए? आपका प्रश्न पाँच है, रात को नींद नहीं आने पर क्या करना चाहिए? आपका प्रश्न छः है, तनाव होने से नींद आने में दिक्कत क्यों होती है? आपका प्रश्न सात है, सही नींद नहीं आने पर कौन सी बीमारी हो सकती है? आपका प्रश्न आठ है, पैदल चलने वालों को नींद की परेशानी क्यों नहीं होती? आपका प्रश्न नौ है, चाय कॉफ़ी को नींद की दुश्मन क्यों कहते हैं? आपका प्रश्न दस है, रात को नींद नहीं आने पर क्या करना चाहिए? आपका प्रश्न एक है, नींद नहीं आने पर मेडिटेशन करने से क्या होता है? आपका उत्तर है, तनाव और चिंता की वजह से नींद नहीं आती हो तो इसमें मेडिटेशन करने से काफ़ी फायदा होता है। मेडिटेशन करने के लिए आपको किसी से इसे सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक समय तय कर लें और कुछ समय तक आंखें बंद कर शांत बैठें। नियमित तौर पर ऐसा करने से तनाव और चिंता से मुक्ति मिलती है, इससे नींद ढंग से आने लगती है। आपका प्रश्न दो है, गर्भावस्था में महिलाओं को नींद क्यों नहीं आती है? आपका उत्तर है, गर्भावस्था के दौरान ग्रेविटी का केंद्र बदल जाता है, जिससे कमर की मांसपेशियों पर ज़्यादा दबाव पड़ने लगता है और कमर दर्द शुरू हो जाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से लिगामेंट्स ढीले पड़ जाते हैं, जो पीठ के दर्द को बढ़ाने का काम करते हैं। प्रेगनेंसी में कमर दर्द के कारण नींद आने में दिक्कत हो सकती है। आपका प्रश्न तीन है, म्यूजिक सुनने से जल्दी नींद क्यों आ जाती है? आपका उत्तर है, दरअसल रात में सोने से पहले कोई धीमा और मन को सुकून देने वाला संगीत सुने। शोर शराबे वाला म्यूजिक सुनने से बचें। म्यूजिक थेरेपी नींद नहीं आने की समस्या में काफ़ी कारगर होती है। संगीत सुनने के लिए ईयरफोन का इस्तेमाल नहीं करें। आपका प्रश्न चार है, अच्छी नींद के लिए सोशल मीडिया से दूरी क्यों बनाएं? आपका उत्तर है, रात में फोन से दूरी बना लें, रात में सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय न दें। इससे नींद एक बार उचट जाएगी तो जल्दी नहीं आएगी। बहुत ज़रूरी होने पर ही रात में फ़ोन का इस्तेमाल करें। एंटरटेनमेंट के लिए तो हरगिज़ फ़ोन का यूज नहीं करें। आपका प्रश्न पाँच है, रात को नींद नहीं आने पर क्या करना चाहिए? आपका उत्तर है, अगर आप रात में ठीक से सो नहीं पाते हैं तो दिन में कम से कम 10 से 20 मिनट की नींद लें। इससे आपका मूड फ्रेश होगा और आप काम में ठीक से ध्यान भी लगा पाएंगे। सोने से करीबन 20 से 30 मिनट पहले गुनगुने पानी से नहाएं। ऐसा करने से शरीर की मांसपेशियों और तंत्रिकाओं को आराम मिलता है, जिससे आपको अच्छी नींद आती है। दरअसल शरीर के टेम्परेचर में गिरावट आने से नींद आसानी से आ जाती है, इसलिए एक अच्छी नींद के लिए गुनगुने पानी से नहाना बेहद मददगार होता है। ज़्यादातर लोगों को रोशनी, आवाज़ें और तापमान में बदलाव होने के कारण ठीक से नींद नहीं आती है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अकेले सोने की कोशिश करें, क्योंकि अलग अलग लोगों का बॉडी टेम्परेचर एक दूसरे से विपरीत होता है। आपका प्रश्न पाँच है, रात को नींद नहीं आने पर क्या करना चाहिए? आपका उत्तर है, इसके अलावा अगर आपके साथ सोने वाले व्यक्ति को कराटे लेने की आदत है तो आपको सोने में बेहद मुश्किल हो सकती है। इसलिए अगर अच्छी नींद लेना चाहते हैं तो अकेले सोने की कोशिश करें। हालांकि एक्सरसाइज करने में नींद अच्छी आती है, क्योंकि इससे दिमाग को शांति मिलती है, लेकिन एक्सरसाइज करने के फौरन बाद सोने से बचें। सोने से करीबन 3 से 4 घंटे पहले ही खाना खा लें, क्योंकि खाते ही सो जाने से पेट में मौजूद एसिड हमारे शरीर की फूड पाइप में पहुंच जाता है, जिसके कारण आपको सीने में जलन का एहसास हो सकता है और आप
चाह कर भी ठीक से सो नहीं पाते हैं। आपका प्रश्न 6 है, तनाव होने से नींद आने में दिक्कत क्यों होती है? आपका उत्तर है, ऑफिस, स्कूल, स्वास्थ्य, आर्थिक या परिवार से जुड़ी हुई समस्याएं रात में आपके मस्तिष्क को सक्रिय रख सकती हैं, जिनके कारण सोना मुश्किल हो जाता है। तनावपूर्ण जीवन की घटनाएं या मानसिक परेशानी, जैसे आपके किसी करीबी व्यक्ति की मृत्यु या बीमारी, तनाव या नौकरी छूट जाना के कारण अनिद्रा हो सकती है। आपका प्रश्न 7 है, सही नींद नहीं आने पर कौन सी बीमारी हो सकती है? आपका उत्तर है, नंबर 1 है लीप एपनोया, या नींद से जुड़ा एक गंभीर विकार है जिसमें खून में ऑक्सीजन की कमी से सांस लेने में परेशानी होती है। इसमें अचानक से सांस रुक जाती है और फिर एकाएक आने लगती है। आपका नंबर 2 है रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम, इस विकार में मरीज अक्सर अपने पैरों को हिलाता रहता है। वे जब भी सोने जाते हैं तो उन्हें पैरों में जलन महसूस होती है, जिससे उन्हें अच्छी नींद लेने में परेशानी होती है। आपका नंबर 3 है स्लीप पैरालिसिस, यह एक विकार है जहां एक व्यक्ति जागने और सोते समय हिलने या बोलने में असमर्थ होता है। आपका नंबर 4 है इंसोमेनिया, सामान्यतः इस तरह के अनिद्रा विकार में मरीजों को नींद आने और नियमित तौर पर पूरी नींद लेने में परेशानी होती है। ऐसे में पूरे दिन उनमें ऊर्जा की कमी नजर आती है। आपका प्रश्न 8 है, पैदल चलने वाले को नींद की परेशानी क्यों नहीं होती है? आपका उत्तर है, जिन लोगों को नींद समय पर ठीक से नहीं आती है उन्हें नियमित एक्सरसाइज करना चाहिए। कहा गया है कि टहलने से अच्छा व्यायाम कोई नहीं है, इसलिए अगर कोई दूसरी एक्सरसाइज नहीं कर पाते तो सुबह और शाम वॉक जरूर करें, साथ ही मेहनत वाले कुछ काम भी करें। फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करने से नींद समय पर आती है। आपका प्रश्न 9 है, चाय कॉफ़ी को नींद की दुश्मन क्यों कहते हैं? आपका उत्तर है, जिन लोगों को नींद आने में दिक्कत होती हो उन्हें चाय कॉफ़ी का सेवन कम करना चाहिए। चाय और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है, इसकी वजह से नींद नहीं आती है। बहुत लोगों को ज़्यादा चाय पीने की आदत होती है। चाय कॉफ़ी पीने का समय तय होना चाहिए, रात में कभी चाय कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। आपका प्रश्न 10 है, रात में तुरंत नींद लाने के लिए क्या करना चाहिए? आपका उत्तर, आयुर्वेद के अनुसार दूध में जायफल मिला लिया जाए तो अच्छी नींद आती है, इससे पाचन अच्छा होगा। हल्दी वाला दूध भी पिया जा सकता है, इससे गले संबंधी रोग भी दूर हो जाएंगे। दूध में केसर मिलने से भी अच्छी नहीं आती है। नींद नहीं आने की बीमारी दूर करने का अच्छा तरीका है मालिश। रात में सोते समय पैरों की हल्की मालिश करें। ठंड के दिनों में तो सरसों के तेल की मालिश हड्डियों और मांसपेशियों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है। गहरी और अच्छी नींद के लिए आयुर्वेद में जड़ी बूटियों के सेवन का तरीका बताया गया है। अश्वगंधा, हर्बल चाय और शंख पुष्पी का सेवन शरीर को आराम दिलाता है और अच्छी नींद आती है। धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो आप लोगों को देखने के लिए। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।